हमें हमारे धर्म ग्रंथों से जुड़े तथ्यों का ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए आज हम कुछ ऐसे ही रामायण से जुड़े रहस्यों के बारे में आपको बताएंगे जिनसे काफी लोग अभी भी अनजान हैं। रामायण का सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मनुष्य जाति के जीवन और उनके कर्मों का विशेष प्रकार से रामायण में विवरण दिया गया है। इसमें भगवान श्री राम और देवी सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी तो पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं है। आज हम आपके सामने रामायण से जुड़े ऐसे ही रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। श्री वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में कुल 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र ग्रंथ का सार है। भगवान श्री राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ एक पुत्री के भी पिता थे। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो हम सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि भगवान श्री राम की एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम शांता था। भगवान श्री राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार हैं? लक्ष्मण श्री शेषनाग के अवतार हैं जो कि भगवान विष्णु जी के सैया हैं। भरत और शत्रुघ्न क्रमशः सुदर्शन चक्र और शंख शैल के अवतार माने जाते हैं। सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का क्या नाम है? भगवान शिव का धनुष जो सीता जी के स्वयंवर में प्रयुक्त हुआ था, ये तो हम सभी लोग जानते हैं, जिसके श्री राम जी ने उसको तोड़ दिया था, उसका नाम पिनाक था। लक्ष्मण कैसे 14 वर्षों तक नहीं सोए? लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें 14 वर्ष के वनवास के दौरान नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निंद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निंद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक वह सोती रही। लक्ष्मण रेखा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा प्रकरण है। जब सीता के अनुरोध पर भगवान श्री राम हिरण को पकड़ने और मारने की कोशिश करते हैं तो वह हिरण राक्षस मारीच का रूप ले लेता है। मरने के समय में मारीच भगवान श्री राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता के लिए रोता है। यह सुनकर सीता लक्ष्मण से आग्रह करती है कि वह अपने भाई की मदद के लिए जाए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भाई किसी मुसीबत में फंस गए हैं। पहले तो लक्ष्मण सीता को अकेले जंगल में छोड़कर जाने को राजी नहीं हुए, लेकिन बार बार सीता का अनुरोध करने पर वह तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता से अनुरोध किया कि वह इस रेखा के अंदर ही रहे। यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकरण के संबंध में अज्ञात तथ्य यह है कि इस कहानी का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही श्री रामचरितमानस में है, लेकिन श्री रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। बोल कड़ाकड़ सीताराम।